कहानी मैंने पढ़ी नहीं है, ये कहानी मैंने एक और कहानीकार से सुनी थी और ये करीब 5-6 साल पहले सुनी थी। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं नवीन पंक्ति, उन्होंने ये कहानी सुनाई थी मेरे ही एक सेशन में। तो पहले थोड़ा बताती हूँ भाण किसको कहते हैं। भाण प्रथा, जैसे अभी आप लोग अलग अलग प्रथाओं की बात कर रहे थे, तो भाण प्रथा भी एक किस्म की कला है। आजकल नहीं है, पहले हुआ करती थी गांवों में। जो भाण होता है वो स्वांग रचता है। स्वांग का मतलब है बहुरूपी, और बहुरूपी मतलब सिर्फ वेश बदलना नहीं, वो अपनी आवाज़, अपनी हरकतें, अपना पूरा पर्सनालिटी, अभिव्यक्ति, हर चीज़ बदल देता था। और जब वो स्वांग रचता था तो उसका जो अपना व्यक्तित्व है वो दिखता ही नहीं था। तो अगर वो डाकू का स्वांग कर रहा है तो आपको लगेगा नहीं कि वो वही आदमी है, या शेर का कर रहा है, या हाथी का कर रहा है, या किसी पक्षी का कर रहा है, वो बिल्कुल वैसा ही बन जाता था। तो ये कहानी है ऐसे ही एक भाण की, जिसका नाम है शंकर भाण। और शंकर नाम भी क्यों? क्योंकि उसका जो परिवार है वो पारंपरिक रूप से स्वांग रचते थे, और ये वरदान उनके परिवार को स्वयं शंकर भगवान से मिली थी, तो इसीलिए उसका नाम शंकर है, शंकर भाण। तो शुरू से ही नहीं कर सकते, किसी गुरु से सीखना पड़ता है, और इनके गुरु इनके पिता थे, उनके पिता के उनके पर पिता थे, ऐसे परंपरा से सीखते आए हैं। तो शंकर का जो पहला स्वांग था वो था एक साधु का स्वांग। तो उन्होंने चोला पहन ली और एक दूसरे गांव में जाके एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। और जब भाण स्वांग में आ जाता है तो उसको भी पता नहीं कि वो स्वांग कब निकलेगा उसके अंदर से। वो एक दिन में भी निकल सकता है, एक हफ्ते में भी निकल सकता है, एक महीना, दो महीना, छः महीना, स्वांग अपने आप ही वो निश्चित करता है कि भाण के अंदर से कब निकलेगा। तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, स्वांग रचना उसके हाथ में है लेकिन वो रचना से निकलना उसके हाथ में नहीं है। तो वो साधु आत्मा बन गए और पेड़ के नीचे बैठ गए, और धीरे धीरे एक एक करके लोग आने लग गए कि कौन है ये साधु। बैठ गए, उसके मुंह से भी प्रवचन निकलने लग गए, बिल्कुल जैसे कोई विद्वान आदमी दे रहा है और अलौकिक शक्ति निकल रही है उससे। लेकिन शंकर नहीं है उसमें, सिर्फ स्वांग है। तो ऐसे धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई, जैसे आपने देखा होगा आजकल हो ही जाता है, कोई भी बैठ जाता है, आ ही जाते हैं लोग जैसे मैं बैठी हूँ। तो ऐसे ही बहुत 100,000 लोग इकट्ठे हो गए और सब कीर्तन करने लग गए, भजन गाने लग गए, और बीच बीच में पूछने भी लगे, गुरुजी कुछ बताइए, और गुरुजी भी कुछ बता देते थे, और सब गुरुजी सत्य वचन। कई दिनों से ये चल रहा था, और उसी गांव का जो सेठ था वो दूर से खड़ा होकर देख रहा था ये सब। तो उसको लगा कि ये साधु आत्मा अगर मेरे घर में आ जाए तो मेरी तो चार चांद लग जाएगी। ज़्यादातर ऐसे गुरुजियों को ऐसे अमीर लोग लेके जाते हैं अपने घरों में, फिर मर्सिडीज़ खरीद के देते हैं, रोल्स रॉयस खरीद के देते हैं, बड़े बड़े आश्रम बना के देते हैं, तो उनसे उनका भी कुछ पुण्य कमाना हो जाता है ना। तो वैसे ही सेठ जी उनको ले जाना चाहते थे। तो जाके बोले, जी गुरु जी आप मेरे को थोड़ा सेवा करवा, मेरे घर चलिए, आपको मैं अच्छे से एक कमरे में सिधारूंगा और फिर लोग आएंगे आपसे मिलने दूर दूर से, आपको कोई चिंता नहीं है, कहाँ धूप में बैठे रहेंगे आप, बारिश धूप में, चलिए आप। अब जो गुरु होता है ना, या जो साधु होता है, वो कभी मना नहीं करता,
शिष्य जो बोलता है करते हैं, वो कभी नहीं बोलते कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, लेके जा रहे प्यार से जाओ। तो वो भी उठ के वहां से चल गए और सेठ के घर में जाके विराजमान हो गए, आराम से बैठ गए बिल्कुल ऐसे पद्मासन में, आंखें वाखें बंद करके, धूप धूप लगा दिया, फूल माला चढ़ा दिया और लोग दर्शन के लिए आने लग गए। और धीरे धीरे दर्शन के साथ धन भी आने लग गया। हमारे यहाँ तो प्रथा ही है, भक्ति मतलब धन चढ़ाओ, है ना, पैसे चढ़ाओ, अनाज चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ। तो चढ़ते 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 सेठ का पूरा घर भर गया। सेठ तो बड़ा खुश, वैसे ही लालची है सेठ, और अभी तो बिना किसी काम के उसका भंडार भर रहा है। तो उसने कहा भरने तो चलो कोई नहीं। तो ऐसे भरता गया भरता गया भरता गया। फिर एक दिन क्या हुआ, सेठ वहां बैठा था बड़े भक्ति से, अचानक स्वांग निकल गया और शंकर उड़ गया। मैं शंकर भाण हूं। सेठ जी ये क्या हो गया, अरे बाप रे ये कौन है, गुरु जी ये कौन सी लीला है आपकी। शंकर ऐसे देख रहा है क्योंकि उसको तो याद है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, अभी ये कहाँ आ गया। आसपास देख रहा है, फिर सेठ को भी देखा, कहा कि आप कौन है, मैं तो वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। तो सेठ जी कह रहे कितने विनम्र हैं आप, आपको इतना भी याद नहीं, आप कैसे वहां से चल के यहाँ आ गए और यहाँ विराजमान हो गए। तो शंकर ने कहा सच में मुझे याद नहीं, आप जरा याद दिलाइए ना। तो सेठ ने सोचा हो सकता है कि बिल्कुल ऐसे ध्यान के उसमें रूप में वो आ गए और उनको सच में कुछ याद नहीं है, जैसे वो पानी में भी चल जाते हैं ना कई बार साधु आत्मा। तो सेठ ने याद दिलाया, तो शंकर ने कहा अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, तो अभी मेरा स्वांग हो गया है, आप एक काम कीजिए मेरे को आप जो भी देना चाहती है भिक्षा के रूप में दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। सेठ ने कहा भिक्षा के रूप में, आपने देखा ये सब चढ़ावा आपके लिए आया है, ये सब धन दौलत अनाज सब कुछ। तो शंकर ने कहा राम 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 जी 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 जी, मैं तो इसको हाथ भी ना लगाऊं क्योंकि ये धन तो आपने कमाया है मेरे को यहाँ बैठा के, मैं तो सिर्फ स्वांग रच रहा था, ये तो मेरी पाप की कमाई नहीं है आपकी है, अपनी गठरी खुद ही संभालिए, मेरे को तो आप जो भी अपने मन से देंगे मैं वो लेके चला जाऊंगा। अब सेठ घबरा गया क्योंकि अगर यहाँ से चला गया तो लोग तो इसको झूठे मानेंगे, तो ये तो हाय तौबा मचाने लग गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू आधा तो ले जा ये कर वो कर। कहने नहीं नहीं मैं तो ये हाथ ही नहीं लगाऊंगा, ये मेरी कमाई है ही नहीं, और सबसे बड़ी बात मैंने जो अपने पूर्वजों से सीखा है कि मेरी स्वांग से जो दूसरे कमाते हैं उसमें मेरा कुछ हाथ ही नहीं है, मेरा स्वांग तो एक कला है, अगर मेरी कला आपको पसंद आए तो आप कुछ भी दे दो, जो भी आप देंगे मैं लेके चला जाऊंगा। फिर सेठ को आ गया गुस्सा, कहता चल मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। तो कहता ठीक है वो भी चलेगा। ये बोल के वो जा ही रहा था कि सेठ को लगा क्या पता अगर मैं से कुछ भी ना दो बाहर जाके ये मेरी पोल खोल दे, तो चलो उसको 5 अशरफिया उसने दे दी और शंकर भार ने 5 अशरफिया अपने झोले में रखा और अपने गांव चला गया। गांव जाके उसने अपने परिवार के लिए अनाज कपड़े लत्ते, बीवी के लिए चूड़ियाँ, बच्चों के लिए खिलौने, जो भी उसको चाहिए था उसने खरीद के दिया। अब ऐसी घटना चुप थोड़ी रहती है, धीरे धीरे फैल गई कहानी और सब सोचने लग गए और बोलने लग गए अरे वाह ये तो सच में बड़ा आदमी है, इतना अच्छा स्वांग रचता है। तो लोग इसको अलग अलग जगहों से उसको बुलाने लग गए कि स्वांग रचो इसका उसका, कभी रानी का कभी राजा का कभी डाकू का कभी जादूगर का कभी हाथी का कभी घोड़ा का कभी कृष्ण का कभी राधा का कभी शिव का। तो शंकर जाने लग गया और अपना अपनी कला का प्रदर्शन करने लग गया।
अब ये बात पहुंच गई उस प्रांत के राजा तक। राजा ने कहा, अरे इतना महान कलाकार है, इसको हमारे यहाँ पे भी बुलाना चाहिए। तो फिर शंकर भान को बुलाया गया। शंकर भान वहां पहुंचा और राजा के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला कि बताइए राजा साहब, क्या करना है? तो सब सोच में पड़ गए कि क्या कराएं इससे। अब उन दिनों उस प्रांत में लोग आ गए राजा के पास, बोलते थे कि वहां जंगल में कोई डायन है जो हमारे गाय बछड़े खा रही है, हमारे छोटे बच्चे खेलते हैं उनको उठा लेती है, तो रोज आप करो कुछ आप करो कुछ। लेकिन राजा तो निकम्मा था, उसको अपनी ऐशो आराम से टाइम नहीं था, तो वो कुछ करता नहीं था। तो राजा सोच रहा है कि इससे किस चीज का स्वांग कराया जाए। तब मंत्री ने राजा से कहा, हुजूर इससे डायन का स्वांग करा लो, तो फिर सब सोचेंगे आपके प्रजा की आपने डायन को यहाँ बुला लिया, और फिर उसको मार देंगे हम लोग, और सब सोचेंगे हमने डायन को मार दिया। तो राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छा विचार है, ठीक है ठीक है। तो उसने शंकर भान से कहा कि तुम डायन का स्वांग कर लो। ये सुन के शंकर चुप। उसने कहा, हुजूर कुछ भी स्वांग करा लो लेकिन डायन का मत कराओ, क्योंकि शायद आपको पता नहीं, जब मैं स्वांग में आ जाता हूं ना, तब मैं शंकर नहीं रहता, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ और उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, आप भी नहीं। वो तो जो स्वांग है वही जिम्मेदार है। आप मेरे से डायन का स्वांग कराओगे, फिर डायन तो अपना ही काम करेगी ना, और डायन तो किसी का खून पिएगी पिएगी, आप क्या करोगे फिर? तो राजा ने कहा, डर गया, तेरे को नहीं करना है, नहीं आता है ना, इतना महान भी नहीं है तू। तो शंकर भान ने कहा, नहीं, वो बात नहीं है, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ और अपने भले के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने किसी का खून पी लिया डायन के स्वांग में आके, फिर आप क्या करेंगे? उसकी जिम्मेदार आप बनेंगे, लोग आपको ही बोलेंगे, फिर आप मेरे को फांसी चढ़ा दोगे, वो भी आपके लिए गलत होगा, तो करना ही नहीं है ना, क्या जरूरत है? लेकिन किसी ने नहीं माना, सब चढ़ गए उसके ऊपर कि नहीं, कर तो डायन का। तो शंकर भान ने कहा, ठीक है मैं रात तक समय देता हूं आपको, अगर आपने अपना विचार नहीं बदला तो कल डायन आएगी, लेकिन मैं आपसे एक विनती करता हूं, अगर डायन ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो आप जिम्मेदार हैं, मैं नहीं। तो राजा ने तब तो भावुक होके बोल दिया, हाँ हाँ ठीक है मैं जिम्मेदार हूं, बोल के शंकर भान वहां से चला गया। रात तक कोई खबर नहीं आई, राजा ने भी कोई खबर नहीं दी, राजा को लगा यह आएगा ही नहीं, डर गया। लेकिन बात फैल गई थी और सुबह तक राजा का महल चकाचक भर गया लोगों से, और सब इंतजार में कि कब डायन आएगी। और अचानक महल का दरबार का दरवाजा टूटा और भयानक सी एक डायन वहां पे, जिसके बाल पूरे ऐसे उखड़े हुए हवा में उड़ते हुए, जटा उस पे, दांत उसके इतने बड़े बड़े, आंखें लाल और उसकी जीभ इतनी बड़ी जिसमें से खून टपक रहा है, और नाखून इतने बड़े बड़े तलवार जैसे, और वो हंसते हुए अंदर आए। जैसे ही डायन की एंट्री हुई सब लोग भाग गए, सब भाग गए, स्वांग देखने वाला कोई था ही नहीं। राजा भी भागने लग गया, एक बार गिरा पीछे मुड़ के नहीं देखा, उठ के फिर से भागने लग गया, और भागते भागते सोच रहा है कि मुझे रोज ना दौड़ में जाना चाहिए, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे सारे मंत्रियों को और रानियों को भी दौड़ कराना चाहिए, बिल्कुल हड्डियां किसी काम की नहीं है। ऐसे कर करके डर
दौड़ दौड़ के जाके जहां जहां दीवार मिला, खंबे मिले, उसके पीछे सब छुप गए। और डायन कभी कुर्सी तोड़ रही है, पर्दे फाड़ रही है, फूलदान तोड़ रही है, कांच सब तोड़ दिया उसने। और जैसे जिस टाइम जब ये डायन ऐसे उधर मचा रही थी, उस समय आ गया कौन? राजा का साला पियक्कर, पीता हुआ। कौन है रे तू? क्या है, क्या है, क्या है, कौन है तू? अब जो पिया होता है ना, उसमें कोई डर नहीं होता, उसको कुछ समझ नहीं आता है कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। डायन ने उसको देखा, ऐसे पकड़ा, उछाला, नीचे फेंका और अपनी नाखून से उसका सीना फाड़ दिया, उसका हृदय निकाला और उसको खा लिया। उसके हाथ खून से लथपथ, मुंह कपड़े सब यहाँ खून वहां खून, और दरबार में एक भी आवाज नहीं। और डायन ने फिर इधर देखा उधर देखा और अचानक स्वांग निकल गया, मैं शंकर भान हूं। और फिर शंकर ने देखा चारों ओर सन्नाटा छा गया, यहां देखा वहां देखा फिर नीचे देखा। और उसने कहा अपने आप से, पहली बार इतना अच्छा स्वांग रचा और देखने वाला कोई नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोग आने लग गए, एक एक दो दो तीन तीन चार चार, राजा फिर भी नहीं आया, छुपा हुआ था। लेकिन साले साहब के गुजर जाने की खबर अंदर रानी साहब तक पहुंच गई और रानी साहब भागते हुए चिल्लाते हुए, हाय हाय हाय, मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया, ये क्या किया तूने, ये क्या किया तूने। फिर वो राजा को भी गालियां बकने लग गई, आपके वजह से ये हुआ है, अभी मुझे इसका बदला चाहिए, अभी इसी वक्त, जब तक इस मौत का बदला नहीं लेंगे मैं पानी तक नहीं छूने वाली, खाना भी नहीं खाऊंगी। बोल के रानी सा अंदर चली गई रोते हुए, सीना पीटते हुए, और अंदर से सब औरतों की रोने की आवाजें आने लग गई। अब धीरे धीरे राजा तो आए बाहर, साथ में मंत्रियां भी आई, आए सारे, और राजा बैठा सोच रहा अब क्या करे। रानी की सुने या जो उन्होंने वचन दिया था शंकर भान को, उस पे अमल रखे। बड़ी बड़ी दुविधा में वो पड़ गए। राजा है, अपने वचन पे अमल नहीं करेंगे तो प्रजा उन पे हंसेगी, मानेगी नहीं। और रानी सा तो रानी सा है, उनकी भी बात रखनी पड़ेगी, और खून तो हुआ ही है, अब क्या करें। तो शंकर भान ने कहा, देखिए राजा साहब, हमने तो बोला था, आपको मना कितना किया था मैंने, आपने मेरी बात नहीं मानी, अभी आपको अपना वचन निभाना पड़ेगा। लेकिन राजा कहते ऐसे करेंगे तो बाद में आगे जाके पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, तो बड़ी दुविधा में थे। तो उस वक्त एक नाई, उस जमाने में नाई का बड़ा एक औदा होता था, वैसे जात में नीचे होते थे, लेकिन हर काम, कोई भी अच्छा काम होता था उनकी जरूरत पड़ती थी, जैसे शादी हो गई, किसी का जन्म हुआ, कुछ विषाद हुआ, नाई आके कविता सुनाता था या तो कुछ पढ़ता था, कुछ मतलब उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें होती थी, कुछ व्यंग होता था, कुछ ज्ञान की बातें भी होती थी। तो नाई आया वहाँ पे और कहा, मेरे पास इसका एक उपाय है, अगर आप अनुमति दे तो मैं बताता हूँ। तो राजा ने कहा, हाँ बताओ। तो नाई ने कहा, देखिए आदमी मरा है तो उसका सती तो होगा, एक काम कीजिए,
शंकर भाट से सती का स्वांग करा लीजिए, तो आपकी वचन भी रखी जाएगी और रानी साहब भी खुश। राजा ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी उपाय है, सारा बैलेंस हो जाएगा। तब तक शंकर भाट समझ गया था कि वो इस चीज से अब बच नहीं सकता। अगर उसने सती का स्वांग नहीं किया, वैसे ये लोग उसको मार डालेंगे, तो इससे अच्छा है उसका जो धर्म है, जो उसको अपने पूर्वजों से मिला हुआ है, जो उसकी कला है, वो उस कला को ही पकड़ के आगे चले, कला के ऊपर अपना अपनी जिंदगी समर्पण कर दे। तो उसने कहा, ठीक है, मैं सती का स्वांग करूंगा, बोल के वो वहां से चला गया। घर जाके उसने अपने घर वालों को एक पत्र लिखा, उसके दो बेटे थे जिनको भी आगे जाके यही काम करना था। उस पत्र में उसने लिखा कि मैंने अपनी पूरी उम्र अपनी कला को समर्पण किया है, अपने पूर्वजों के काम को समर्पण किया है, अपने धर्म के पथ पे चला है। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग भी ऐसे ही चलोगे और मेरे अंदर कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं अपनी कला को रचते हुए सूली पे चढ़ रहा हूँ, मुझे क्षमा कर देना। पत्र उसके गांव पहुँचा दिया गया। एक पत्र उसने राजा को भी लिखा कि आपने तो अपनी वचन नहीं निभाई, कोई नहीं उपाय निकाला ताकि आपका वचन भी रहे और रानी सा का भी मन रख सके आप, और मेरी कला का भी एक और प्रदर्शन, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे परिवार को जरा देख लेना, क्योंकि मेरे बाद पता नहीं उनका क्या होने वाला है, बोल के उसने वो पत्र राजा को भेजा। सुबह हुई, चिता सज गई थी, चारों ओर फूल मालाएं और लोग खड़े थे पूजा की थाली लेके, औरतें अपनी घूंघट डाल के और सब सज धज के, नगाड़े बज रहे थे, मंदिर की घंटियां बज रही थी, मंत्र पढ़े जा रहे थे और सब हैरानी से इंतजार कर रहे थे कि वो आएगा कि नहीं आएगा। और थोड़ी देर बाद दूर से एक औरत दुल्हन की वेश में, इतना बड़ा घूंघट, हाथ में पूजा की थाली, पैरों में पायल लेके धीरे धीरे चिता की ओर आने लग गई, छम छम छम। घूंघट इतना बड़ा था कि लोगों को शक होने लग गया कि ये शंकर ही है या कोई और है, क्या पता सच में वो साली का मतलब जो पत्नी है वही है। तो लोग ऐसे देखने की कोशिश करने लग गए घूंघट की नीचे से की दिख, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। और वो औरत धीरे 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 चिता की ओर गई, ऊपर चढ़ गई और बिल्कुल समाधि लगा के मरे हुए पति के पास बैठ गई और तुरंत चिता में आग लगा दिया गया। चिता जल के राख हो गई और सब चिल्लाने लग गए, सती माता की जय, सती माता की जय, सती माता की जय। और अगले दिन शंकर भाण के घर में कनस्तर में उसकी अस्थियां पहुंच गई।